Hello and welcome to the 22nd episode of Mission Admission. I am Aditya Yadav and you are watching the Social Indian. और इस वीडियो में आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो मॉक टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रोवाइड किया है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम से थोड़ा सा सिमिलर हो पाएँ, फैमिलियर हो पाएँ इस एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले ही। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप मॉक टेस्ट में क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आज ही आपको फीलिंग दे देंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, DUPG एडमिशन मॉक टेस्ट आप डालिए गूगल पर, PG एडमिशन वाला पोर्टल खुलेगा, 2019 के पोर्टल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद DUET 2019 में आपके पास लिंक आ रहा है, एडमिट कार्ड का लिंक, मॉक टेस्ट का लिंक, लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स, तो मॉक टेस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए, मॉक टेस्ट वाला लिंक खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको NTA के बारे में बताया जा रहा है कि NTA क्या है, कैसे क्या करती है, वो आप देख लीजिएगा आपके काम की चीज़ें हो तो। अब यहाँ पर क्लिक हेयर कर दीजिएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल को क्लिक करके यहाँ पे आपको फिर आपको मिल जाएगा एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड और एक पिन। तो इस रोल नंबर को मैं कर लेता हूँ कॉपी आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, या DUET टेस्ट 2087 पासवर्ड पिन हमें याद हो गए हैं। अब हम कर देते हैं स्टार्ट एग्ज़ाम को, यहाँ पे हमने अपना रोल नंबर डाला, 1234 का पासवर्ड, 1111 है पिन। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही कुछ पिन वगैरह दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप लॉगिन करके कंप्यूटर पर बैठेंगे और आपके सामने ऐसे पोर्टल खुलेगा। वाईफाई की गति तेज़ होने के बावजूद यहाँ पर धीरे चलता हुआ नेट, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस से हम निराश होंगे। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कि नहीं है वो चेक करते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे ये देखिए पोर्टल खुल गया है, अब हम आपसे ये नहीं बताएंगे आपको कि सही आंसर कौन सा है या गलत आंसर कौन सा है, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता पाएँ, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके ऑप्शन होंगे हम आपको ये बता पाएँ। अब हम एग्ज़ाम को करते हैं रिज्यूम, पता नहीं शुरू किसने किया था, स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ से रिज्यूम कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट जो है इसमें लोगों के मेरे को कह रहे थे, फ़ोन आए वो बता रहे हैं भैया इसमें तो ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, फालतू के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं ये आपके उस चीज़ से रिलेटेड है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर पाते हैं, कैसे क्या करना है, आपको पेपर कैसा दिखाई देगा उसके बारे में है। अब जैसे यहाँ पर आपका रोल नंबर आता रहेगा, यहाँ पर आपका नाम आता रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपका एग्ज़ाम रहेगा कि कौन सा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये NTA का लोगो। अब जैसे यहाँ पे 15 मिनट दिखा रहा है टाइम रिमेनिंग, तो एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट नहीं मिलने वाले हैं, ये सिर्फ आपको सिचुएशन बना रहे हैं ऐसी। अब ये इस तरफ आप देखेंगे क्वेश्चन पैलेट पर राइट हैंड साइड में, तो ये 1 2 3 4 जो है अटेम्प्टेड है ग्रीन कलर में, 1 2 3 4 5 6 7 है वो नॉट अटेम्प्टेड है, ठीक है, जिनको आपने आंसर ही नहीं किया है। अब 8 9 10 12 13 जो ये ब्राउन से कलर में है या आप विजिट भी नहीं कर पाए, एक बार देख भी नहीं पाए हैं, अगर आपने 46% पेपर किया है और आपके पास 15 मिनट बचे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप संकट में हैं, उस संकट से निकलें, तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को मान लीजिए 44 क्वेश्चन है, इसको हम फ्लैग कर देते हैं कि हम बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर ये फ्लैग रेड और ये ब्लैक वाली होकर आ गया है, अगर हम अटैम्प्ट कर देते हैं इसे तो ये ग्रीन और ऐसे फ्लैग होगा, वो आप देख लीजिए, ये आपकी ही चीज़ें सीखने के लिए है, आपको ये इन चारों चीज़ों का ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं कि भाई 2 घंटे का आपका पेपर है, आपको ऐसे लॉगिन करना है, पासवर्ड वगैरह डालकर, डेट ऑफ बर्थ भी डालनी होगी कल आपको, आपका पिन जो होगा वो, ठीक है। अब एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, पॉइंट वाइज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगी, आंसर जो हैं वो इंग्लिश में होंगे, क्वेश्चन आंसर हिंदी में भी हैं, अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल रहते हैं तो आप हिंदी में जाकर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई अच्छा लैंग्वेज वहाँ पे जो है, मॉक टेस्ट में भी इंग्लिश दिखाई गई है, हमने शुरू में जो सिलेक्ट की थी, 4 मार्क्स का एक है, वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पर कुछ भी खोलना अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, बाकी आप कुछ भी नहीं खोल सकते हैं, दूसरी विंडो वगैरह में स्मोकिंग ना करें, खाएँ पिए पानी वगैरह कुछ अलाउड है नहीं, स्मोकिंग भी ना करें, स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है। एप्लीकेंट जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में आएंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन को जब डॉक्यूमेंट वगैरह सारे होंगे तब उन्हें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, ये लिखा है इंस्ट्रक्शन में। अब मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, तो अगर अब यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन पे हैं, अब आपको क्या करना है, सेक्शंस देखने हैं, जैसे 1 है
वन अच्छा ये यहाँ पे जीके चालू हो रखी है आपकी, तो जीके देख ली, 25वां क्वेश्चन देख लिया, ये भी जीके है, 26वां देख लिया, ये भी जीके है, 43 पे आ गए, ऑड वन आउट वाला आ गया। अब यहाँ पर जब हम देख रहे थे कि सेक्शन देख रहे थे कि पहले क्वेश्चन पर आते हैं 25 तक क्या होगा, उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये जो है आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पैलेट से क्वेश्चन पेपर चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज कर सकते हैं सीधा सीधा, और यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पर आ सकते हैं। तो अगर आप शुरू में लगता है आपको जो सेक्शन आपने सोचे हुए थे, प्लान किया हुआ था कि कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, माइंड मैपिंग की हुई थी, उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप ऐसे जाके स्विच कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका फेवरेट पार्ट कहाँ पे कब आ रहा है। जैसे मान लो मैं पहले मैथ्स करता हूँ, तो मेरे को मैथ्स ढूंढना है, तो मैं मैथ्स ढूंढूंगा 30 पे है, 35 पे है, 50 पे है, कहाँ पे है, ऐसे ढूंढ लूंगा, ये इसलिए आसान होता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आ रहा है, उसे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे वाले क्वेश्चन कहाँ पे है, जो मेरे को शुरू में करने हैं, बाद में करने हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ही ली हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम स्टेटस आप देख सकते हैं कि भाई 40 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, 54 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये चारों पांच ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पर लोग कह रहे थे कि सर एजो डाई हमें तो पता ही नहीं, डाई स्टफ क्या होता है, एग्जाम्पल केमिकल्स की क्या है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो मॉक टेस्ट दिया गया ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी के लिए नहीं है, जितने भी सारे एंट्रेंस हैं उन सब के लिए है, और ये जो एक मॉक पेपर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप हैबिचुअल हो सकें कि स्क्रीन पर आपको क्या मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में ही आपको साइज़ बढ़ाने का या फिर साइज़ कम करने का ऑप्शन दिया गया है, मॉडरेट साइज़ रखें ताकि आप पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और अच्छे से क्लियरली देख पाएँ, तो ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। एग्ज़ाम से हैबिचुअल हो जाइए। आज हमने एग्ज़ाम से पहले ही आपको एग्ज़ाम का व्यू दे दिया है, उम्मीद करते हैं जैसे कि आज आपको दो कदम पहले आगे रखा है, वैसे ही आप एग्ज़ाम में भी सबसे दो कदम आगे रहें और सिलेक्शन लें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, फ्लैगिंग से रिलेटेड, कि फ्लैग करने के बाद सर क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, तो फ्लैग अगर आप कर देते हैं, अगर आंसर किया होगा तो वो आंसर्ड काउंट होगा, आंसर नहीं किया होगा तो नॉट आंसर्ड काउंट होगा। फ्लैग करने से वो सिर्फ आपके फ्लैग करने के इसलिए होता है ताकि आपको दूर से पहचान में आ जाए, बाकी उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और इस वीडियो को दो हमें कट देने पड़े, एक बार मैं वीडियो को सेव करना भूल गया था इसलिए इसे दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट लैग कर गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में जहाँ पे आपको ये सुंदर शक्ल दोबारा देखने को मिलेगी, और दोबारा से हम आपको वीडियोज़ में मिलेंगे। ज़्यादा समय इस वीडियो पर ख़राब ना करते हुए आप इस मॉक टेस्ट पर जाइए, हैबिचुअल बनिए, आँखों को सेट करिए कि स्क्रीन कैसे होने वाली है कल ऑनलाइन एग्ज़ाम में, परसों ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और देखिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।